प्रदेश सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने आरोप लगाया है कि धर्मशाला के पर्यटन व्यवसाय को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है और यहां के पर्यटन को खत्म किया गया है। इसको खत्म करने में पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का हाथ है। यहां के पर्यटन को खत्म करने को लेकर बड़ा षड्यंत्र था ताकि यहाँ के पर्यटन को वैसनाथ शिफ्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कहा था कि रिटेंशन पॉलिसी बनाई जाएगी लेकिन बनी नहीं। पूर्व सरकार के इस गलत निर्णय के कारण कुछ लोगों ने गलत तरीके से भवन निर्माण किया। जब इन लोगों के मकानों के मीटर पानी के कनेक्शन काटे गए तो उन्हें परेशानी हुई, जिस कारण आज उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री से पूछा है कि वो बताएं कि उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया। कपूर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने होटल बनाने के लिए राहत प्रदान की और चार मंजिला बनाने की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत धर्मशाला के पर्यटन को वैसनाथ ले जाने का पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धर्मशाला में पैरा ग्लाइडिंग के खेल को हटाकर वैसनाथ ले जाया गया जहां पर वर्ल्ड कप करवाया गया। उन्होंने पूछा है कि क्या यह प्रतियोगिता धर्मशाला में नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा कि मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं किया गया। 5 साल तक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि चयनित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बने अभी 3 महीने हुए हैं। अब भाजपा सरकार अप्रैल महीने तक भूमि सीओ के नाम पर दी जाएगी, जल्द ही इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। देखिए, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस इस पे राजनीति करती रही और ये कहा कि बहुत जल्दी शिलान्यास हो रहा है और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र भी भारत सरकार को लिखा था, एचआरडी मिनिस्ट्री को, कि धर्मशाला में 30% हिस्सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बनेगा। पर 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार जमीन जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर नहीं करा पाई। 2012 का चुनाव भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर लड़ा था कि हमारी प्राथमिकता होगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बनाएंगे। 5 वर्षों तक जमीन का ट्रांसफर नहीं होना, इससे लगाया जा सकता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस राजनीति कर रही थी और कितने वो हिमाचल धर्मशाला के लोगों के प्रति ईमानदार थे। अब हमारी सरकार को बने, जयराम ठाकुर जी की सरकार को बने 3 महीने हुए हैं। इसी महीने अप्रैल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम जमीन ट्रांसफर कर दी जाएगी और बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ भी होगा। उन्होंने पूर्व सरकार पर आरोप लगाया है कि धर्मशाला नगर निगम बनने के बाद नगर निगम धर्मशाला में कोई भी भर्तियां नहीं की गई। अब नई सरकार बनने के बाद इन पदों को भरा जा रहा है। कपूर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती नहीं की और जिसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। का रुख है, विपक्ष भी बड़े आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष निराधार आरोप लगा रहा है। मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूं, यहां के जो स्थानीय विधायक थे वो टाउन एंड कंट्री प्लान के मिनिस्टर भी थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, एक षड्यंत्र के तहत धर्मशाला के पर्यटन को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया ताकि यहां के पर्यटन को यहां से शिफ्ट करके बैजनाथ ले जाया जा सके। उसका सीधा एक उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण, वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग का बीड़ बिलिंग में कराया, धर्मशाला में भी हो सकता था। धर्मशाला में तो लोगों को परेशान करने के लिए बहुत सारे, मतलब पहले यह कहा कि हम रिटेंशन पॉलिसी ला रहे हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम बहुत जल्दी उसमें अनुमति दे देंगे, रेगुलाइज्ड कर देंगे, बेचारे लोगों को उसमें भी लोगों ने ठगा महसूस किया। रिटेंशन पॉलिसी आई नहीं, लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन कट गए, धर्मशाला के पर्यटन के ऊपर ग्रहण लग गया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का,
जिन्होंने इस गंभीरता को समझा, धर्मशाला के लोगों की पीड़ा को समझा, उन्होंने कोर एरिया में दो मंजिला की अनुमति थी उसको चार मंजिला कर दिया। उन्होंने जो अब जो 27 तारीख को बैठक हुई है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें जिस पोर्शन में वायलेशन हुई होगी उसी पोर्शन की बिजली काटी जाएगी, बाकी बिल्डिंग की बिजली नहीं कटेगी। एक बहुत बड़ी राहत यहां के होटल मालिकों को जयराम ठाकुर की सरकार ने दी है। अगर हमारी सरकार ये कर सकती है तो टाउन एंड कंट्री प्लान मिनिस्टर जो यहां से थे उन्होंने क्यों नहीं किया उस वक्त? वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? उल्टा यहां के पैटर्न को बैजनाथ ले जाने के लिए कई किस्म के षड्यंत्र रचे गए। बैजनाथ के लोगों को एक सोसाइटी बनाकर त्रिवेण में वहां उनको इजाजत दी गई, ठेकेदार बैजनाथ के, आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी बैजनाथ के, हर चीज बैजनाथ की। अब धर्मशाला की याद आ रही है, 5 वर्ष तो धर्मशाला की याद आई नहीं। धर्मशाला के साथ 5 वर्षों में धर्मशाला की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ। धर्मशाला के पैटर्न को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार ने उस समय किया था। हमारी सरकार ने आते ही ये निर्णय लेकर धर्मशाला के जनता को बहुत बड़ी राहत दी। सर, महिलाओं को